नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। इधर आज पानीपत यूपी बॉर्डर पर हैरान करने वाला वाक्या देखने को मिला। पानीपत यूपी बॉर्डर पर जमीन अचानक ही ऊपर की ओर उठने लगी, कुदरत का करिश्मा। इधर आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद की जिला कार्यकारिणी ने प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में आज नए जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद अरुण कुमार दुबे से शिष्टाचार परिचय भेंट की। शिष्टमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव मोहन बिश्नोई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष योगेंद्र कुमार आदि रहे। इधर आज साई सेवा संस्थान दीनदयाल नगर मुरादाबाद द्वारा चलाई जा रही साई रसोई द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मधुमनी कांट रोड पर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इधर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरू किया जागरूकता अभियान। रेलवे स्टेशन पहुंची उत्तराखंड पुलिस ने यात्रियों के साथ स्टेशन पर चस्पा किए प्रचार पोस्टर। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले शिव भक्तों के पास होनी चाहिए निगेटिव रिपोर्ट, आदेशों का किया उल्लंघन तो होगी कार्रवाई। इधर मुरादाबाद में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का पानी गागन रामगंगा कोसी नदी में पहुंच गया है। पानी ज्यादा आने की वजह से गागन नदी अपने पूरे उफान पर आ गई है। ग्रामीणों ने नदियों को पार कर खेत में आने जाने के लिए गागन नदी पर खेत में आने जाने के लिए एक लकड़ी का पुल बनाया था। आज वो लकड़ी का पुल भी पूरी तरह पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। इधर मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके के चक फाजलपुर रोड पर सड़क निर्माण में के लिए रखी हुई निर्माण सामग्री पर चढ़ने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत यह रही कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त ट्रक के आसपास कोई दूसरा वाहन सवार नहीं था और ट्रक में सवार चालक और परिचालक को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। इधर मुरादाबाद में कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों को किया गया लाभान्वित। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुभारम्भ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पंचायत भवन सभागार में हुए कार्यक्रम का आयोजन, कोरोना से निराश्रित हुए 80 बच्चों को किया गया लाभान्वित। कार्यक्रम में विधायक, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। इधर उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के ने कलेक्टर पहुंचकर किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने मांग की, समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो होगा आंदोलन। इधर मनोहरपुर पहुंची नगर विधायक रितेश गुप्ता की धर्मपत्नी अल्पना रितेश गुप्ता, दिव्यांग जनों को वितरित की ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण। इधर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने कलेक्टर पर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति को संबोधित, जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आजादी को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की उठाई मांग। इधर जनपद संभल के ग्राम धनारी निवासी भाजपा नेता की 7 माह से लापता 13 वर्षीय पुत्री को बरामद किए जाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से कलेक्टर पर किया प्रदर्शन, निकाला जुलूस, सौंपा ज्ञापन।
जनपद संभल के ग्राम धनारी निवासी भाजपा नेता की लापता 13 वर्षीय पुत्री को बरामद किए जाने एवं अपहरणकर्ताओं को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी व विभिन्न संगठनों ने पीड़ित परिवार को दिया समर्थन। कलेक्टर पर जारी धरने में किशोर का सौंपा समर्थन पत्र, कहा गिरफ्तारी न होने पर किया जाएगा उग्र आंदोलन। इधर सरकारी एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने अपनी 9 मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में किया जबरदस्त प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से देश के गृह मंत्री को भेजा अपना ज्ञापन। कोरोना काल में शहीद हुए मृतक आश्रित को मुआवजा दिए जाने की मांग। इधर पाकवाड़ा पहुंचे मनीष सिंह द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को वितरित किया खाद्यान्न। सरकार की योजना का लाभ पाकर खिले गरीबों को चेहरे। इधर अमरवाद के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ व जीआरपी ने चलाया चेकिंग अभियान। आगामी स्वतंत्रता दिवस को दृष्टिगत रखते हुए जीआरपीएफ व आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान को किया चेक। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सहायक अध्यापकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ आयोजित। पंचायत भवन में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष महापौर की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम हुआ संपन्न। इधर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में शहीद चंद्रशेखर आजादी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। मुरादाबाद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में जयंती समारोह कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीएस अधिकारी जुगल किशोर तिवारी ने पहुंचकर दिए संदेश। इधर मुरादाबाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मिथिलेश रानी को महिला मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में खुशी के लहर। इधर तहसील बलारी के अधिवक्ता हॉल में शुक्रवार को दोपहर नए तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह से तहसील बार एसोसिएशन बलारी के अनेक वकीलों की परिचय भेंट हुई। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अफाक हुसैन, उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा और सचिव विनय कुमार सिंह आदि ने वकीलों की समस्याएं तहसीलदार को बताई। बार पदाधिकारियों ने कहा कि पंजीकृत बेनामी के दाखिल खारिज को फाइनलों में समय से आदेश होने चाहिए। लेखपाल को निर्देश दिए जाएं कि भी निर्धारित समय सीमा अपनी हस्तांतरण रिपोर्ट लगाएं। तहसीलदार ने वकीलों को आश्वासन दिया कि बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय बनाया कर रखा जाएगा और वकीलों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा।